हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत कॉमन पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगी, जिसे म्यूकोमाइकोसिस, ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता है। कोविड के साथ ही ब्लैक फंगस के काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। म्यूकोमाइकोसिस नाम की ये बीमारी इतनी गंभीर है कि मरीज़ को इसमें सीधे ICU में एडमिट करना पड़ जाता है और कई पेशेंट्स में ये फेटल भी प्रूव हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे म्यूकोमाइकोसिस के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, जिसमें मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि इसके क्या लक्षण हैं, किन मरीज़ों को इससे खतरा हो सकता है और कैसे इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको सही तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप और ज़्यादा अवेयर हो सकें। So let's begin with today's session. दोस्तों, म्यूकोमाइकोसिस म्यूकोमाइसिटिस फंगाई से होता है और ये जो म्यूकोमाइसिटिस नाम की फंगाई है, ये हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैली हुई है। खासकर ये सॉइल यानी जमीन में मिलती है। इसके अलावा ये सीलन भरे कमरे में गीली सर्फेसेस और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे सड़ी हुई पत्तियाँ, खाद या गीली लकड़ी, उनमें ये फंगाई ज़्यादातर मिलती है और नॉर्मल पर्सन को ये फंगाई इफेक्ट नहीं करती। ये आपके स्किन के आउटर सर्फेसेस को टारगेट ना करके म्यूकस मेम्ब्रेन्स को टारगेट करती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को टारगेट करती है। क्योंकि ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल से मिलता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इसमें किसी हॉस्पिटल की गलती नहीं है। सिर्फ पेशेंट लोड ज़्यादा होने की वजह से जब आप स्टरलाइजेशन करते हैं तो कई बार स्टरलाइजेशन जल्दी हो जाता है। और ऐसा भी होता है, जो हमारे ऑक्सीजन मास्क हैं या जो ट्यूब्स हैं, ये अक्सर पेशेंट टू पेशेंट यूटिलाइज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी फंगल इन्फेक्शन रह जाता है तो वही पेशेंट्स के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। अब कौन से पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन हैं इस बीमारी के लिए, ये समझ लेते हैं। जिस आदमी की इम्यूनिटी नॉर्मल है और ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं, उनमें म्यूकोमाइसिटिस फंगाई उनकी बॉडी को इफेक्ट और डैमेज नहीं करती। और म्यूकोमाइसिटिस इन्फेक्शन उन लोगों को करती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन या डायबिटिक पेशेंट्स, जिनकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ी हुई हैं, या फिर HIV और कैंसर के पेशेंट्स, या वो पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयां जैसे कि स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स चल रहे हैं, इन पेशेंट्स में म्यूकोमाइसिटिस इन्फेक्शन कॉज करती है। एक्सेप्ट दिस, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से भी म्यूकोमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और अभी ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स में इसलिए फैल रही है क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट के अंदर स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट में ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और ये तीनों चीज़ें ट्रीटमेंट पार्ट हैं। तो इसकी वजह से जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनमें म्यूकोमाइकोसिस का खतरा बढ़ गया है। इसके लिए डायबिटिक कोविड पेशेंट्स में भी म्यूकोमाइकोसिस के केस सामने आ रहे हैं। और ये जो म्यूकोमाइसिटिस फंगाई है हमारी आँखों को, साइनसेस को और ब्रेन को इफेक्ट करती है, और इसकी वजह से जो पेशेंट्स की आंखों की रोशनी है वो भी चली जा सकती है और कई एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट्स की डेथ तक हो सकती है। और म्यूकोमाइकोसिस लंग्स को, GI ट्रैक्ट को और स्किन को भी इफेक्ट करती है, इसलिए आपको इसके जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको म्यूकोमाइकोसिस है। तो अगर म्यूकोमाइसिटिस ने पेशेंट के ब्रेन को, साइनसिस को और आइज़ को इफेक्ट करा है, तो पेशेंट को फेस के एक साइड नमनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है या फिर फेस के एक साइड दर्द होता है। इसके अलावा पेशेंट को आंखों के अराउंड दर्द हो सकता है या सूजन आ सकती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलेट्स हो सकती है, आंखों में धुंधलापन आ सकता है या कई केसेस में पेशेंट की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। एक्सेप्ट दिस, पेशेंट के हेडेक रहता है या पेशेंट की जो नाक है वो बंद हो जाती है। कई बार पेशेंट की नाक से ब्राउनिश और ब्लैकिश डिस्चार्ज आता है। इसके अलावा पेशेंट की नाक के पास में काले रंग के निशान बन जाते हैं और उनको फीवर भी आ सकता है। और अगर ये जो म्यूकोमाइकोसिस है पेशेंट के लंग्स को इफेक्ट करता है तो पेशेंट को खांसी आ सकती है, फीवर आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। एक्सेप्ट दिस, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और अगर म्यूकोमाइकोसिस पेशेंट के GI सिस्टम को इफेक्ट करती है तो पेशेंट को जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट दर्द रहना या लैट्रिन में खून आने जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट्स, डायबिटिक, HIV, कैंसर पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो इन सिम्टम्स को लेकर अलर्ट रहें और अपने जो डॉक्टर हैं उनके टच और कॉन्टैक्ट में रहें। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से कैसे बचें।
कोविड के ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की जांच करते रहें। स्टेरॉइड्स को ध्यान से लें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी को यूज़ में लाएं। एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल मेडिसिन का सावधानी से इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाएं, खासतौर पर धूल वाली जगह पर, तो मास्क ज़रूर पहनें। मिट्टी या पौधे की देखभाल करते समय जूते, पैजामा, फुल स्लीव्स की शर्ट और ग्लव्स पहनें। स्क्रब बाथ लेने के साथ पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखें। इन सब प्रिकॉशंस के बाद पेशेंट को कुछ म्यूकोमाइकोसिस रिलेटेड सिम्टम्स अगर महसूस होते हैं तो उनको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। एटलास्ट दोस्तों, ये जान लेते हैं कि म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस में क्या ना करें। किसी भी तरह के अलर्ट को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोविड हुआ है तो बंद नाक को महज जुकाम मानकर हल्के में ना लें। फंगल इन्फेक्शन को स्पेशली टेस्ट करवाने में देरी ना करें। दोस्तों, ध्यान दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन के ज़्यादातर केसेस उन पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं जो कोविड 19 से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनमें डायबिटीज़, किडनी, हार्ट फेलियर या फिर कैंसर की बीमारी है। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हर सिम्टम को लेकर अलर्ट रहें। दोस्तों, घर पर रहें, हाथ को बार बार साफ करें और घर से बाहर निकलते समय मास्क को ज़रूर पहनें। ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप कोविड 19 इन्फेक्शन से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।